गुड आफ्टरनून मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सम्मुख तीन प्रमुख सूचनाएं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है मतलब पीएनपी ने अपने कार्य प्रणाली में जो है मतलब बदलाव किया है और पदों का ब्यौरा और सारी डिटेल्स शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुके हैं। बहुत जल्द ही आपके सम्मुख संक्षिप्त नोटिफिकेशन आ सकता है। और दूसरी सूचना है आपकी टीजीटी 2021 को लेकर के। टीजीटी 2021 की स्कैनिंग का काम चल रहा है, आपको पता है। बहुत सारे चैनलों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन दी हैं कि इतनी मेरिट जा सकती है, और जो भाई बहन हमारे बॉर्डर लाइन पे हैं या कम मेरिट में हैं वो निराश हो चुके हैं कि हमारा नहीं होगा। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए। जिस तरीके की टैली बदल रही है इलेक्शन में, जैसे मतलब पार्टियों की सीटें कोई टैली बदलती है ना, वैसे मेरिट की टैली बदल रही है इस समय। और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट होगी ये बार चौंकाने वाली होगी भाई साहब। ईडब्ल्यूएस की मेरिट का प्रेडिक्शन जो है, मैं नहीं समझता कि कोई सही आंकड़े लगा पाया होगा, क्योंकि आवेदन बहुत कम हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। और कुछ मतलब कंफ्यूजन की वजह से, कुछ सर्टिफिकेट की वजह से, कुछ जो है मतलब सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की वजह से, इस वजह से जो है आवेदन ईडब्ल्यूएस में बहुत कम हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस की मेरिट नीचे, बहुत नीचे जा सकती है। दूसरी चीज यह है कि ओएमआर में जो अभ्यर्थियों, जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बुकलेट सीरीज और रोल नंबर आदि को लेकर के गलतियां की हैं, उनका परिणाम चयन बोर्ड रोक सकता है, उनका परिणाम रोक देगा, ये कन्फर्म है। और दूसरी चीज यह है कि मतलब इनके ओएमआर को का रिजेक्शन का भी फैसला हो सकता है। तो अगर ओएमआर रिजेक्ट होते हैं तो मेरिट डाउन जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, किसी भी सब्जेक्ट की मेरिट 110-115 नहीं जाने वाली। आप बेफिक्र रहिए, अगर आप 110 किसी विषय में हैं, या आप 105 हैं, या आप 95 हैं, या आप 84-85 हैं, तो भी आप अपने को आपको फाइट में मान के चलिए। 27,000 पदों को लेकर के जो मतलब मांग पत्र सचिव महोदय को सौंपा गया था, टास्क फोर्स बनी थी और उसपे जो है बना करके उन्होंने पदों की संख्या को कम कर दिया था। अध्याचन चयन बोर्ड को भैया पहले ही प्राप्त है और उसपे जो है मतलब विस्तृत लेखा जोखा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जा चुका है। और आपने एक बार नहीं, दो बार देखा होगा इस चीज को कि प्रदेश का मुखिया, इतना मतलब संवेदनशील प्रदेश का मुखिया होकर के भी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार नहीं, दो बार अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया शिक्षक भर्ती को लेकर के, और पेपर हिंदुस्तान पेपर की कटिंग को भी उन्होंने पोस्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भर्ती के मूड में आ गई है और आपके सम्मुख एलटी ग्रेड, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन तीन भर्तियों का विस्तृत बड़ा विज्ञापन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरिट डाउन जाएगी, मेरिट कम होगी, आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आप कम क्वेश्चन है तो अपने आप को कंपटीशन से बाहर मान करके न चलिए। और लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है, बहुत तीव्र गति से उस पर काम हो रहा है पीटी को लेकर के, तो आप उसके लिए भी बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, संक्षिप्त नोटिफिकेशन हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, और पीटी का रिजल्ट आने के बाद उसका विस्तृत विज्ञापन, विस्तृत कार्यक्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। हिंदी और गणित का एलटी ग्रेड का जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी करने पर आयोग सहमत हो गया है, तो आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं 2016 के वेटिंग लिस्ट को लेकर के, जो टीजीटी पीजीटी में लोग मतलब परेशान हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। मांग पत्र को लेकर के, ज्ञापन को लेकर के हम लोगों ने चयन बोर्ड के सचिव महोदय से बात की, तो उन्होंने मतलब इस चीज को कहा कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन अभी बोर्ड का पूरा ध्यान टीजीटी पीजीटी को फाइनल कराने पे है, क्योंकि कोर्ट ने जो है मतलब अध्यक्ष महोदय को तलब किया है अगली सुनवाई पर, तो उस पर विचार देने, उस पर जवाब देने के बाद, काउंटर फाइल करने के बाद कोर्ट का जो रुख रहेगा उस पर बहुत सारी तमाम चीजें जो है वो निर्भर करेंगी। तो तैयारियों में लगे रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट इसी तरीके की प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करता रहेगा। ये तीन अपडेट हमारे पास आई थी, इसलिए हमने आपको रूबरू कराना उचित समझा। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।